सो गाइस हम लोग जलंधर के बस स्टेशन पर सानू इतनी पंजाबी तो आंदी नहीं सी बट अपन सो यहाँ पे आपको बुलेट्स मार्क्स दिखाए गए हैं तो हम लोग पहुंच चुके हैं वो मेरे पीछे है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो कैसे हो आप लोग, होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, एकदम मस्त चंगे होंगे। और हम हैं अपने मौसी के घर पंजाब में जलंधर। सो आज हमारा कुछ इस तरीके का प्लान है कि हम लोग जाने वाले हैं श्री हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल। सो गाइस हम लोग जलंधर के बस स्टेशन पर आ गए हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर बस स्टेशन है, यहाँ से आप लोगों को अमृतसर के लिए बस मिल जाएगी। सो चलो चलते हैं और लेते हैं। तो यार अपन ने ले लिया टिकट जलंधर से अमृतसर के लिए, ये रही टिकट 200 रुपीज़ थी जिसके चार्जेस। और हमारी बस दिख रही आपको, ये वाली बस है जी जो जाएगी अमृतसर तक। और चलो चलते हैं फिर। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूं बस स्टेशन अमृतसर। यार इतनी बढ़िया नींद आई ना, 2 घंटे मस्त आराम से सोया मैं। अभी 11:45 हो चुके हैं, वहां से निकला था मैं करीबन 9:45 या 9:50 पे निकल चुका था। और आराम से बस ने मेरे को 2 घंटे में यहां पे पहुंचा दिया बस स्टेशन। अब यहां से हम लेते हैं टेम्पू रिक्शा और गोल्डन टेम्पल चलते हैं और वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। मस्त भाई अपन ने ले लिया है ई रिक्शा और इन्होंने लिए मेरे से 50 रुपीज़, क्योंकि मैंने और से बात करी, कहते 20 रुपये लेंगे, मगर इनके पास और सवारी नहीं थी और मैं अकेला था और काफ़ी देर वेट किया हमने, बट कोई आ गया था। तो मैंने कहा 50 दे देना, मैं आपको अकेले छोड़ रहा था। मैंने कहा ठीक है चलो चलते। सानू इन्नी पंजाबी तो आती नहीं सी बट अपन हिंदी विच गल करेंगे, चलो हिंदी में बात करते हैं। अब चल रहे हैं अपन सीधा गोल्डन टेंपल की ओर, वहाँ चल के आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारे के श्री। सो चलो चलते हैं जी। कुछ इस तरीके से मार्केट्स हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। देखते हैं किस चीज का मेमोरियल है। वाओ गोल्डन टेंपल जाने से पहले हम लोग यहाँ आ रखे हैं अपना जलियांवाला बाग, इसके पास में ही पड़ता है यार, इसको विजिट करना मस्ट है यार, यहाँ की हिस्ट्री जान। बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे, काफ़ी कुछ है इंडियन हिस्ट्री में, आप लोगों को जानना चाहिए, मतलब हम लोगों को जानना चाहिए अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री। सो यहाँ पे आपको बुलेट्स मार्क्स दिखाए गए हैं अभी भी जो विजिबल हैं। कितना बढ़िया बढ़िया लिखा है।
सबसे बेस्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मोहम्मद इंकलाब। हिस्ट्री जानी मैंने भी जो नहीं जानता था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे जाकर। आप लोग भी अगर आए हो अमृतसर और गोल्डन टेम्पल जाने का आपका विचार है तो एक बार जलियांवाला बाग भी जाइए, काफ़ी अच्छी जगह है वो भी। सो यार बाघा बॉर्डर सब कह रहे हैं, सोच रहा हूँ बाघा बॉर्डर भी चला जाऊँ, देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो चला ही जाऊँगा, वरना अभी तो पहले चलते हैं गोल्डन टेम्पल देखते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, काफ़ी अच्छा पीस होता है वहाँ पर। तो यार यहाँ पे आके आपको अपने शूज़ उतार के अंदर रखने होते हैं ताकि आप अंदर विज़िट कर सकें, और आपको ये टोकन ऐसे दे देंगे ताकि आप बाद में आइए और अपना टोकन दिखा के अपने शूज़ वापस लें। चलो चलते हैं अंदर अब गाइस। ऐसे ऐसे अपने पाउंड होते हुए अंदर जाना होता है। चलो हम भी चलते हैं गाइस। हम लोग अंदर आ चुके हैं और आपको अभी कुछ ही देर में देखने को मिलेगा सामने सीधा। वो देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल है। सो कुछ इस तरीके से वहाँ से दर्शन की लाइन आपको लगना होगा वहाँ पे लाइन पे, और ऐसे आप वहाँ पे एंट्रेंस होगा। विजिट करके आ गए हैं गोल्डन टेंपल से, और यहाँ पे थोड़ी देर आराम से बैठे हैं। आप ऐसे झाड़ू रखी रहती है, आप अपनी श्रद्धा से उठाकर सेवा कर सकते हैं यहाँ पे। यार क्या ब्यूटीफुल गार्डन बना रखा है यहाँ पे, वाओ भाई मज़ा आ गया लंगर का खाना खा के, बहुत बढ़िया हो रहा था। यहाँ आओ तो वो तो खाना ज़रूरी होता है। सो अब लोग हम अब हम वापस जा रहे हैं जलंधर। सो और ये अमृतसर बस स्टेशन है। सो चलो चलते हैं वोल्वो बस लेते हैं और चलते हैं। तो गाइस असी चंगी तरीके से अपने जलंधर बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और बड़ा मज़ा आया यार मत्था टेका गुरुद्वारे में, और बहुत इन्जॉय किया। और वहां पे हमें बिंदा भाई भी मिले थे हमारे, जिनसे आप एक व्लॉग में मिले थे, उसको मैं टैग कर दूंगा बिंदा। चलो उनको कॉल आ रहा है, एक बार उसको कॉल कर लेता हूँ।